जब भी हमारे घर मेहमान आते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि पनीर बना दिया जाए, तो क्यों ना पनीर की जगह आज हम गोभी बनाएं। और मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल रेसिपी, गोभी टिक्का मसाला। देखिए यहाँ पर मैंने दही लिया है, तो ये आधा कप दही है और थिक कर्ड एकदम। इसमें हम डाल देंगे आधा टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टी स्पून हल्दी पाउडर, आधा टी स्पून गरम मसाला पाउडर, ये है कसूरी मेथी, करीब एक टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से आप मैश करके डालें इसको, तो अच्छे से ये जो है फ्लेवर देगी अपना। अब हम क्या करेंगे, एक स्पून लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो थोड़ा बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लें आप, जिससे कि जब आप उसमें सब्जियां डालें तो अच्छे से वो आप मिला पाए। यहाँ पर हम डाल देंगे फूल गोभी, जो कि एक कप से थोड़ी सी ज़्यादा होगी, या फिर आप ये समझ लें कि एक छोटा सा फूल गोभी का फूल है। यहाँ पर एक प्याज, जिसको कि मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से देखिए काट लिया है। यहाँ पर एक शिमला मिर्ची, इसको भी मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। और इसके ऊपर हम डाल देंगे अब करीब एक टीस्पून भर के नींबू का रस, और इन सभी को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। इस समय मैंने नमक का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि अगर हम नमक डाल देंगे तो वेजीज जो है बहुत सारा वाटर छोड़ देंगी, वाटर रिलीज कर देंगी, हम ये नहीं चाहते हैं। तो अच्छे से मिक्स करें इसको, जिससे कि सारा मसाला जो है गोभी और सारी सब्जियों पर कोट हो जाए। हमने इसको अच्छे से मिक्स किया है और हम इसको कवर करके फ्रिज में करीब एक घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। और आइए तब तक हम अपनी ग्रेवी तैयार करेंगे। ग्रेवी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पैन लिया है और अब हम इसमें डालेंगे ऑयल। ऑयल इस सब्जी में थोड़ा सा ज़्यादा डलता है, तो मैं करीब 1/4 कप ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। ऑयल इसलिए ज़्यादा डलता है क्योंकि हम इसकी ग्रेवी जो है वो थिक रखते हैं सब्ज़ी की, तो ऑयल डालने से उसमें अच्छी कंसिस्टेंसी आती है और बहुत खूबसूरत दिखती है सब्ज़ी। इसमें मैंने डाल दिया है एक टीस्पून ज़ीरा, आधी टीस्पून सौंफ, इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट, इसके साथ ही इसमें डाल देंगे थोड़े से खड़े मसाले। इसमें मैंने डाला है एक छोटा टुकड़ा दालचीनी, एक इलायची पाउडर, दो लौंग, कुछ काली मिर्चें, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके साथ ही इसमें डाल देंगे टोमेटो प्यूरी, तो ये टोमेटो प्यूरी मैंने दो बड़े टमाटरों को काट के बस मिक्सी में पीस लिया है, और अब हम इनको भूनेंगे जब तक कि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से ऑयल रिलीज ना कर दें। ये देखिए हमने टमाटरों को इतना भुना है कि इसने अच्छे से जो है ऑयल रिलीज कर दिया है। इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1 टीस्पून टोमेटो केचप, करीब आधा टीस्पून शक्कर, इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हमने मैरिनेशन के समय काफ़ी सारे स्पाइसेस डाल दिए थे। और अब हम इसमें डाल देंगे ये कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर, तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर को 3 टीस्पून पानी में घोल लिया था। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है और हम इसको भूनेंगे जब तक हमारी ग्रेवी जो है फिर से ऑयल रिलीज ना कर दे। ये देखिए इसको अच्छे से चला लें, ये देखिए। और इस टाइम पर हम इसमें डाल देंगे करीब आधा कप पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, सिर्फ आधा कप डालेंगे। मसाले को अच्छे से भूनना है हमें फिर से। तो ये देखिए हमारे मसाले ने अच्छे से ऑयल रिलीज़ कर दिया है। तो इस टाइम पर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम। तो मैंने यहाँ पर मलाई का यूज़ किया है, मैं 1/4 कप जो है इसमें मलाई डालूंगी। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं, 1/4 कप डालें करीब। तो हमें इसको थोड़ी देर तक पकाना है फिर से। तो ये देखिए हमारी ग्रेवी बिल्कुल तैयार है। हम आखिरी चीज़ इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने पहले नहीं डाला था, क्योंकि कई बार क्रीम और नमक का कॉम्बिनेशन जो है ग्रेवी को जो है उसको फट जाती है ग्रेवी उससे। तो ये देखिए बिल्कुल तैयार है हमारी ग्रेवी। हम क्या करेंगे, इसको साइड में रख लेंगे और अब हम अपनी मैरिनेटेड सब्जियों को रोस्ट करेंगे। इसके लिए एक मैं बड़ा सा पैन लूँगी और उसमें डालूँगी थोड़ा सा तेल, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। हम आँच को फुल पे रखेंगे और हम इसमें डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड वेजिटेबल्स। इनको हम करेंगे अच्छे से मिक्स, ये देखिए इस तरह से, और फुल आंच पर हम इनको रोस्ट करेंगे करीब 2 से 3 मिनट तक। इसको आप पूरे तवे पे फैला दें जिससे कि ये एक साथ पक सकेंगे। सब्जियों को अब पकते हुए करीब 2 मिनट हो चुका है। हम इस पर क्या करेंगे, अब नमक डालेंगे। हमने नमक पहले इसलिए नहीं डाला था क्योंकि अगर हम पहले से नमक डाल देते सारी सब्जियाँ पानी छोड़ देती, वो हम नहीं चाहते थे। इसको मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढक कर पकाएंगे जब तक ये आधी से ज़्यादा कुक ना हो जाए। सब्जियों को मैंने धीमी आंच पे ऑलमोस्ट 10 मिनट तक ढक के पकाया है और बीच बीच में मैंने इसको कई बार चला दिया था। हम क्या करेंगे, इस टाइम आंच को तेज़ कर देंगे और इसका जो ये पानी है वो हम सुखा देंगे और सब्जियों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। ये देखिए मैंने गोभी को रोस्ट कर लिया है अच्छे से, बहुत बढ़िया कलर आ गया है इस पर और उसका सारा पानी सूख गया है। हम आंच को बंद कर देंगे और आइए अब हम इसको ग्रेवी में मिक्स करेंगे। ये देखिए ग्रेवी को मैंने फिर से गैस पे रख दिया है और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। हल्की सी थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी डालूंगी। इस सब्ज़ी में ज़्यादा पानी नहीं डलता है,
सिर्फ इसको थिक रहना चाहिए अच्छे से। तो ये देखिए ग्रेवी में अब बबल्स आने लगे हैं। हम क्या करेंगे, अपनी जो रोस्टेड वेजिटेबल्स हैं वो इसमें डाल देंगे सारी, उनको बहुत अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब बस हम इसको कवर करके सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, जिससे कि जो सारे जूसेस हैं हमारी सब्जियों के और ग्रेवी आपस में अच्छे से मिल जाए और सब्जी बहुत ही टेस्टी बनेगी। सब्जी को पकते हुए अब करीब 4 मिनट हो चुके होंगे ऑलमोस्ट, धीमी आंच पर पक रही है। ये देखिए एकदम तैयार है, क्या मज़ेदार दिख रही है और खाने में बहुत ही बहुत टेस्टी होती है। आप ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगे। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।